आपदा प्रबंधन व इससे होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से हमीरभरण में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा जिला में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने की। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बेहतर ढंग से निपटने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला में कार्यरत विभिन्न एनजीओ को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने की शुरुआत हुई है तथा इससे जिला प्रशासन को भविष्य में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, जागरूकता परस्पर तालमेल के साथ इन्हें सही ढंग से निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी तथा सूचना कोई भी व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में टोल फ्री नंबर 1077 पर दे सकता है। ये नंबर 24 घंटे कार्यरत रहता है। कार्यशाला में जिला हमीरपुर के 6 गैर सरकारी तथा 2 सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इस दौरान जिला में इंटर एजेंसी ग्रुप का भी गठन किया गया, जिसमें 6 कोर ग्रुप सदस्य सहित 8 सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। ये ग्रुप जिला में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन व अन्य विभागों के साथ तालमेल रखेगा। इस अवसर पर जय बाबा कमलाहा आराधना संगठन के पदाधिकारी एमके भारद्वाज को जिला इंटर एजेंसी ग्रुप का संयोजक भी चुना गया। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन नवनीत यादव ने उपस्थित लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बेहतर ढंग से निपटने के नवीनतम तरीकों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जिला में हर स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गैर सरकारी संगठन जिला प्रशासन को सहयोग कर जान माल की सुरक्षा तथा आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत सभी नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में उनके चैम्बर में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर को स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें तथा शत प्रतिशत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को सुनिश्चित करें। नगर पार्षदों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। हर वार्ड में स्वच्छता को लेकर बोर्ड लगाए जाएं तथा कूड़े कचरे को उचित स्थान पर न फेंकने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। NIT डिग्री कॉलेज, बहुतकनीकी संस्थान, मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल अधिकांश मात्रा में कूड़ा कचरा जनरेट करने वाले संस्थानों से उनके सही निष्पादन को लेकर आवश्यक पग उठाए जाएं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड अनुसार सभी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों की सूची बनाकर कूड़ा कचरा कलेक्शन तथा प्रबंधन को आवश्यक पग उठाएं। शहर में लंबित हाउस टैक्स वसूली को भी शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। नगर पंचायत भोटा, नादौन तथा
नगर परिषद सुजानपुर के तहत सफाई व्यवस्था तथा डोर टू डोर कचरा कूड़ा के एकत्रीकरण को लेकर समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत घोटा में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के निर्माण के लिए शीघ्र जमीन चिन्हित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर सुरेश ठाकुर, स्वच्छता पर्यवेक्षक राजेंद्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुजानपुर अशोक पठानिया भी उपस्थित रहे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा के पुरी में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वहीं छोटी काशी मंडी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की खासी धूम देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और श्री मद देवी भागवत कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर से आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए पुजारी वेददास ने बताया कि छोटी काशी मंडी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में श्रीमद देवी भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाचक आचार्य सुनील शर्मा कथा का वाचन कर रहे हैं। पुजारी वेददास ने बताया कि 4 जुलाई को जगन्नाथपुरी की तर्ज पर छोटी काशी मंडी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी और 5 जुलाई को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा।